सकते हैं, वीडियो से आप इस वीडियो से आप जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों जानने से पहले आप अंत तक देखिए इस वीडियो, जब तक अंत तक नहीं देखोगे आपके समझ में नहीं आएगा। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जमीन किराए पर दे देता है तो उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 12 साल तक किसी भी व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करके रहता है या कब्जा कर लेता है या 12 साल तक रहता है तो वो मालिक बन सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट जजमेंट दिया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी जान सकते हो। दोस्तों इससे बचने के लिए आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप किराए में देते हो या बिजनेस के लिए फ्लैट देते हो तो उसे क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों उससे पहले आप उसे हर साल के साल एग्रीमेंट लिखवाना चाहिए, जिसमें जिस प्रकार इस साल 2000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया तो अगले साल 10% बढ़ा के उसमें लिखवाना चाहिए। हर साल एग्रीमेंट करवाना चाहिए जिससे आप बच सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका मकान तो गया, क्योंकि इससे बचने के लिए आपको एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश एग्रीमेंट नहीं कराता है, वो व्यक्ति 12 साल 20 साल तक उस पर किराए में दे रखा है या काबिज है, तो वो व्यक्ति आसानी से खाली नहीं कर सकता। वो व्यक्ति मालिक बन सकता है, वो व्यक्ति टाइटल लेके पेश कर सकता है कि मैं 20 साल से 15 साल से इस मकान में रह रहा हूँ, ये मेरा मालिकाना हक है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन दोस्तों इससे बचने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी और ये आवश्यक है। इस प्रकार अगर वो व्यक्ति 15 साल या 12 साल से काबिज है, आप उसे खाली नहीं करा सकते। आप उसे खाली करवाने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाने के बाद ही आप उसे खाली करा सकते हैं। अगर कोर्ट को ये लगे कि इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, लेकिन कोर्ट ये पूछेगा कि आप 15 साल से 20 साल से आप कहाँ थे, आपको ये पता नहीं था कि आपकी प्रॉपर्टी है, तो उस पर आपने खाली क्यों नहीं करवाया। दोस्तों ये अपने ऊपर बचाव के लिए नहीं, उसके बचाव के लिए बन जाते हैं। इसे दोस्तों आप जब तक उसे बलपूर्वक खाली नहीं करा सकते, जब तक कोर्ट आपको आदेश नहीं देगा, डिग्री नहीं देगा, जब तक आप प्रॉपर्टी को खाली नहीं करा सकते। इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो से कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किराया दे तो उसका किरायानामा मनवाना चाहिए, या किसी व्यक्ति को फ्लैट बिजनेस में तो बिजनेस तो उसका किरायानामा लेना चाहिए। अगर आप इसे बचना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप उस प्रॉपर्टी से हाथ धो सकते हो। कब्जादारी उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है या मालिक बन सकता है, क्योंकि ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर।